लास्ट टाइम हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप कहें तो एलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि कोऑर्डिनेट में हम एक्स एक्स और वाई एक्स मान के चलते हैं, ऐसे ही हम जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्स एक्स होती है उसको हम मानते हैं रियल एक्सेस। क्या मानते हैं? रियल एक्सेस। और जो वर्टिकल होती है उसको मानते हैं हम इमेजिनरी एक्सेस। क्या मानते हैं? इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई। ठीक है, इसमें ये वाला हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको हम जो एक्स एक्सिस हम निकालते हैं उसको इंडिकेट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लेकर के जाएंगे। इमेजिनरी पार्ट को हम लेकर के जाएंगे जो हमारा वर्टिकल ये दूसरी कहते हैं जिसको वाई एक्सिस है, हम उस पर इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान ले जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आई तो ये हमारा कहाँ पे होगा? 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। रियल पार्ट कितना है? 2। तो 2 पर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3। तो 3 पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो पॉइंट P आया है ये हमारे कोऑर्डिनेट है 2 3, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे 2 प्लस 3 है। ये हमारा एक पॉइंट होगा प्रेजेंटेशन ये। ठीक है, ये जस्ट राइट डाउन। हेलो, हाय जी सर।
अच्छा, चलो देख लो अपने हिसाब से, आप टाइम पता करो। हैं मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमें इसका मोड निकालना है, क्या निकालना है? मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड दैट इज मोड जेड इक्वल टू हमारा होता है रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट और स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ओके ठीक है, अब देखते हैं कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट ऑफ जेड जो होता है दैट इज रिप्रेजेंट करते हैं बार जेड, यानी कि जेड के ऊपर जो है हम बार का निशान लगाएंगे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ जेड। और इसमें हम ये हमारा होगा ए माइनस आई दैट इज टू गेट कंजुगेट to get conjugate of a complex number of a complex number of a complex number P replace I iota by minus ठीक है। देखिए जब मोड निकालना, मोड का मतलब एक तरह से आप ये मान के चलिए कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मोड जो आता है न्यूमेरिक में आता है, यानी कि उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, यानी कि आयोटा नहीं होता है। और जब कंजुगेट निकालते हैं हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम क्या करते हैं कि जो आयोटा होता है हम आयोटा को माइनस आयोटा के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि इफ जेड इक्वल टू ए आई बी देन द कंजुगेट ऑफ जेड विल बी ए माइनस आई बी। और उसका जो नोटेशन है इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम इसका बार लगा करके हम इसको दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 3 + i, जेड इक्वल 3 + i, ठीक है। अगर इसका हम मोड निकाल लें, मोड ऑफ जेड क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे i का कोफिशियंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 9 + 1 = √4। ऐसे एक नंबर और ले लेगा जेड इक्वल टू 2 + 3 i, इसका क्या होगा, मॉड ऑफ जेड √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 4 + 9, दैट इज √30। अब यहीं पे इसका अगर हम कंजुगेट निकाल लें, कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा, 3 - i, इसका अगर कंजुगेट निकाले, इसका कंजुगेट होगा 2 - 3। नंबर 4 पे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसमें किसी चीज की मल्टीप्लीकेशन करें, ठीक है, वो 1 i, ऐसा नंबर क्या होगा, 1/4, ठीक है। आप लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू 1/j, राइट, इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू 1/z। यही पे लेफ्ट जेड इक्वल टू 3 + i, राइट, जेड इक्वल टू 3 + i, जेड इनवर्स क्या होगा, 1/3 आई भी। अब जो आयोटा है इसको डिनोमिनेटर में हम इससे क्या करेंगे, कम करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, सेंटीग्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन अपॉन ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस आई बी ए माइनस आई बी ठीक है, ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखते हैं ए माइनस क्या कंजुगेट ऑफ जेड, और ये क्या है मोड जेड का राइट, ये हमारा जेड इनवर्स हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन जेड या फिर समझ लीजिए कि मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड कंजुगेट ऑफ ये फार्मूला बनो, और एक दूसरा फार्मूला यहीं से हम सकते हैं जेड इनवर्स इक्वल टू ठीक है, यानी कि जेड इनवर्स यहाँ से इसके दो फार्मूले ड्राइव हुए हैं मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड और जेड कंजुगेट ऑफ जेड, या कहें जेड की हमसे कंजुगेट से नीचे अप्लाई अगर हम करते हैं क्या निकल जाता है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। इसको ड्राई करके देखिए ए प्लस आई बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बिकेज मोड जेड का ठीक है। दूसरा जब हमें इन्वर्स निकालना क्या निकालना है हमें इन्वर्स, इन्वर्स के लिए आप कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड का स्क्वायर ठीक है, ये दोनों फार्मूले आप लोगों को लर्न करने हैं क्योंकि इससे हम डायरेक्ट जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर वैसे निकालोगे इनवर्स किसी भी चीज़ का तो वो वन अपॉन करना पड़ेगा आपको और फिर बहुत ही लेंथी प्रोसेस बैठेगा आपको। अब जैसे कि ये पूछ रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ टू माइनस थ्री आई, क्या फाइंड आउट करना मल्टीप्लिकेटिव टू माइनस थ्री आई, टू माइनस थ्री आई का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमें निकालना है, कैसे निकाल लेंगे ये लेट जेड इक्वल टू टू माइनस थ्री आई कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा टू प्लस थ्री आई मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होगा फोर प्लस नाइन दैट इज थर्टीन इनवर्स इक्वल टू कंजुगेट फॉर्म थर्टीन प्लस ये स्क्वायर ऐसे लिख लो टू अपॉन थर्टीन प्लस आई होता थ्री अपॉन ये आप क्या होगा जेड इनवर्स होगा
argand plane and complex and polar representation. And argand plane and polar representation. देखिए जब ऑर्डर्ड पेयर होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हो रियल नंबर, ऑर्डर्ड पेयर हो रियल नंबर जो है प्लेन में रिप्रेजेंट किए थे एक्स और वाई होते हैं, राइट। इसी तरह जब कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गेंड प्लेन, ठीक है। मान लिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम जो रिप्रेजेंट करें, सपोज करो कोई पॉइंट एक्स होगा ये है, ठीक है, पॉइंट ओ है और ये बी है, तो यहां से यहां तक किसकी जो माप होगी यानी कि डिस्टेंस होगी ये इसकी कहलाता है आर्गुमेंट। ये सॉरी ये क्या रहता है इसका मॉडुलस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होती है वो मोड़ दे दो एड होती है एंड कंजुगेट, कंजुगेट में हमने बताया था कि आई को जो रिप्लेस कर दोगे आप माइनस आई के द्वारा, ठीक है, यानी कि वैल्यू वो वाई क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस ये इतनी डिस्टेंस के यहाँ ये है तो क्यों है, ठीक है, ये आपका एक्स माइनस वाई इसके कॉरेस्पोंडेंस इमेजिनरी नंबर एक्स माइनस आई वाई एक्स माइनस आई और उसके कॉरेस्पोंडेंस आज वीडियो कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक तरह से मिरर इमेज, क्या कह सकते हैं इसको, मिरर इमेज कह सकते हैं। और फिर है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर,
देखिए अगर पॉइंट पी रिप्रेजेंट द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है राइट, लेट द डायरेक्ट डायरेक्टेड द सेजमेंट हो के उधर अंदर आए। यहाँ पे जो है ये लेंथ आर है, ये एंगल थीटा है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना रहा है ठीक है। तो यहाँ पे जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट पी से वो हमारे होंगे आर और थीटा। आर क्या है, ओ से पी की डिस्टेंस है या लेंथ है, और थीटा जो एंगल है जो उसकी पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है ठीक है। इसको हम इनिशियल लाइन भी हम कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ठीक है, ये हमारी क्या है एक्स एक्स और ये क्या है वाई, क्योंकि तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ से अगर हम देखें एक्स इक्वल टू क्या आता है आर कॉस थीटा ठीक है, y इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर हम स्क्वायर करके इनको ऐड कर दें दैट इज आर स्क्वायर या आर इक्वल अंडर रूट, ये इसका हुआ मॉडुलस राइट। फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसका क्या लगता है आर्गुमेंट क्या क्या लगता है इसका आर्गुमेंट ऑफ राइट, मॉडुलस हो गया आर्गुमेंट हो गया। अब बात आता है इस पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ओके कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म ओके कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर बाय, ये आपकी कॉम्प्लेक्स जो हमारे हैं पोलर फॉर्म के आते हैं, पोलर फॉर्म बनाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और वो उसकी पोलर फॉर्म जो होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है।
इसको जल्दी लिखिए। वेरी गुड, और फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मॉडुलस और आर्गुमेंट पे ही आते हैं। इसके आते हैं मॉडुलस और आर्गुमेंट, या कभी कभी जो है इसको पोलर फॉर्म में भी चेंज कराते हैं। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा सिंपल फॉर्म है एक्स प्लस आई वाई को पोलर फॉर्म में चेंज करना। एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू वन प्लस आई रूट थ्री। जेड इक्वल टू वन प्लस आई आयोटा रूट। ठीक है, ये कह रहा है इसको इन दी पोलर फॉर्म, किस फॉर्म में चेंज करना है इसको, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। राइट, अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करना, देखिए हमेशा इसका जो रियल पार्ट है क्या है, रियल पार्ट इसको मान लीजिए एक्स कोस थीटा, रियल पार्ट हमेशा मानो उसको आर कोस थीटा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को मानिए आप, इमेजिनरी को क्या मानना है आपको, आर साइन थीटा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन बनाएंगे हम, जो रियल पार्ट है आर कोस थीटा इक्वल टू वन, दूसरा हमारा हुआ आर साइन थीटा इक्वल टू टू। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऑन स्क्वायरिंग व्हाइल एडिंग बाय एडिंग ऑन स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, क्या आएगा ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस थ्री।
राइट, तो वन का स्क्वायर वन है, रूट थ्री का थ्री हो जाएगा। इसमें से अगर आर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। तो आर स्क्वायर कितना हुआ, फोर। तो आर इक्वल टू कितना आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, यानी कि सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, ये आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन वन। आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, रूट थ्री। रूट थ्री किसका मान होता है, टेन, 60 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू कितना आया, 60 डिग्री, ठीक है। पोलर फॉर्म जो होती है हमारी इक्वेशन की, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो होती है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म इज, आर की वैल्यू कितनी है, टू कोस 60 प्लस आई साइन 60, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रेडियंस में, टू इंटू कोस 5/3 प्लस आई साइन 5/3। इसका आपका आंसर है, ठीक है। देखिए इसको जल्दी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन है हमारा -16 जेड इक्वल टू -16 अपॉन 1 + i√3 यानी कि i होगा इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है इसमें चेंज करना है पोलर फॉर्म में ठीक है बताओ सबसे पहले क्या किया जाए इसका हमने बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किसके बराबर मानना है रियल पार्ट को आर को थीटा के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को साइन थीटा के इक्वल लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा जिसकी आप कंपेयर कर लोगे क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है इसको रेशनलाइज करना है रेशनलाइज का मतलब इसके डिनोमिनेटर में उसके डिनोमिनेटर में जो आयोटा है उसको खत्म करना है यानी कि उसको रिमूव करना है कैसे करेंगे उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप उसके लिए डिनोमिनेटर है इसमें से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई स्क्वायर एडिंग बाय स्क्वायरिंग एड बाय स्क्वायरिंग आर इक्वल टू कितना आ गया 8 ठीक है
या माइनस टेन पाई बाई थ्री। अब टेन माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, या तो आपके सेकंड में होता है या फोर्थ में। और यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस तो कौन से क्वाड्रेंट में चलता है, क्योंकि इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस और, कौन से क्वाड्रेंट में है, 60 में। इसको हम लिख सकते सेकंड में, इसको लिख सकते हैं टेन पाई माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू टेन टू पाई बाई थ्री। जो थीटा आया वो हमारा आया पाई बाई टू पाई बाई, क्या आया है टू पाई बाई थ्री। इसकी जो पोलर फॉर्म हुई आर की वैल्यू कितनी आई थी, आर की वैल्यू थी हमारी 8, 8 इंटू कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई, ये इसका आंसर होगा। नोट करो, देखते हैं भैया। क्वेश्चन है जेड इक्वल टू माइनस रूट थ्री, जेड इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस आई प्लस आई, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या, इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों निकालने हैं। क्या क्या निकालने हैं, मॉडुलस और आर्गुमेंट। फाइंड आउट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, राइट। मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों निकाल लें, तो मॉडुलस क्या होगा इसका, मॉड ऑफ जेड बराबर रियल ऑफ जेड का स्क्वायर इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर, राइट।
ये क्या होगा माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का क्या होगा थ्री होगा और वन का वन, ये आया रूट फोर दैट इज टू। अब क्या पूछ रहा है इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट होता है थ्री टाइप वॉल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है टेन इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू क्या है इसमें वन, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस रूट थ्री, ठीक है इसको आप ऐसे लिख ले व्हाट टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, और ये किसका होता है माइनस टेन फाइव बाई सिक्स, इसको लिख सकते हैं टेन फाइव माइनस फाइव बाई सिक्स, सिक्स में से बन गया कितना फाइव फाइव बाई सिक्स टेन फाइव फाइव बाई सिक्स, थीटा इक्वल टू फाइव बाई फाइव फाइव बाई सिक्स, थीटा हमारा ये हुआ आर्गुमेंट और मॉड ये हुआ दैट इज मॉड ऑफ जेड इक्वल टू टू राइट, एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू फाइव फाइव बाई सिक्स। चेक करिए
देखिए जल्दी इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है? तो हम आई पी फोर की पावर फोर से लिख सकते हैं प्लस, कैसे लिख सकते हैं यहीं पे अगर इसको आई के ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आएगा आई अपॉन, यानी कि सीधी बात ही रह जाएगा माइनस आई की फोर क्या होता है, वन होता है, तो वन की पावर फोर कितना आएगा, वन ही रहेगा, यहाँ से आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस, पावर ओड है तो ये माइनस होगा और आई की पावर ट्वेंटी इसकी पावर थ्री, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस आई की पावर जो 24 होगी उसकी वैल्यू वन होगी और यहाँ से बचेगा आपका आई और इसकी पावर माइनस वन और माइनस आई की पावर थ्री, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे जैसे सीधा फॉर्मूला करवा सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो प्लस थ्री और ये कितना हुआ थ्री हुआ प्लस आई और ये माइनस माइनस थ्री
ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन आप कर सकते हैं।